Okay, in last lecture we have discussed the potential energy of the charged particle and potential energy of system of charged particle. Okay, and third question, the potential energy of system of charged particle in external electric field. Okay, आज यही सब question लेकिन dipole के लिए होगा. आज सभी question dipole के लिए. सबसे पहले in uniform electric field the torque acting on a dipole, electric dipole, वो हम सबसे पहले complete करेंगे. Okay, so now the direction of electric field and dipole, so now minus q and plus q, plus q and minus q. The intensity of electric field is a E. Intensity electric field is a E. Okay, तो तब हमने कंप्लीट किया था कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, फील्ड एंगल क्या होगा? थीटा. पहले भी बताया कि यहाँ लगने वाली फोर्स, इधर लगने वाली फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, सो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो. और इसके लिए डायपोल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगी, डायपोल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगी. और टॉर्क की फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. अब सपोज डायपोल की जो एंगल है वो थीटा जीरो से स्टार्ट करके थीटा वन तक हमको इसको चेंज करना है. सो नाउ वर्क इज इक्वल टू, या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू, क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा. टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा. नाउ टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन टॉर्क इंटू डी थीटा. टॉर्क इंटू डी थीटा. ओके, नाउ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन. ओके, टॉर्क की फॉर्मूला क्या आएगी? सो नाउ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. ओके, पी आर ई रिमेन कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन साइन थीटा इंटू डी थीटा. ओके, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज अ माइनस कॉस थीटा. सो नाउ पी ई माइनस कॉस थीटा थीटा जीरो टू थीटा वन, एंड देयरफॉर पी ई अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, पहले अपर, सो माइनस कॉस थीटा वन माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा जीरो, एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा वन. तो ये वर्क की फॉर्मूला हुई. ओके, जब फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगी तो यही फॉर्मेट एनर्जी के लिए भी होगा. एनर्जी इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा वन. अब सपोज डायपोल जब फील्ड में रखेंगे तो इनिशियली एंगल थीटा जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू या 90. इनिशियल एंगल कितना कंसिडर करते हैं? पाई बाई टू या 90. मतलब ये डायपोल जब रखेंगे तो इसी एंगल पे रहेगी 90 पे विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, माइनस टू प्लस. लेकिन वहां से हमको सपोज इसको थीटा डायरेक्शन में लाना है. थीटा डायरेक्शन मतलब थीटा वन इज इक्वल टू थीटा करना है. इनिशियल एंगल 90, फाइनल थीटा. सो वर्क इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे? सर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी चलेगा. पी ई कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा, बट कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, देन पी ई माइनस कॉस थीटा, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is u is equal to minus p cos theta. Okay, the potential energy of electric dipole in uniform electric field u is equal to minus p cos theta, and the theta, okay, angle perpendicular ke saath humko consider karna padega, kyunki initial angle theta 0 is equal to pi by 2, matlab angle between dipole and angle between dipole and electric field. Okay, तो इसमें कैसे कंप्लीट किया? तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताई ई,
सो इलेक्ट्रिक डायपोल रखी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये एंगल थीटा है। ओके नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इस साइड पे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, मतलब ये डायपोल लीनियर मोशन नहीं करती। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था, ये रोटेशनल मोशन करेगी। इसकी मोशन कैसी होगी? रोटेशनल मोशन होगी। ओके लेकिन हमको वर्क कंप्लीट करना था, तो पहले लिखा टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर वन। ओके सपोज इनिशियल एंगल थीटा जीरो है, वहां से हमको इसको थीटा वन तक ले जाना है। सो नाउ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा थीटा, लेकिन वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट थीटा जीरो टू थीटा वन रखना है। सो टी इंटू डी थीटा। ओके ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वर्क इज इक्वल टू थीटा जीरो टू थीटा वन पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। ओके पी रिमेन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा थीटा जीरो टू थीटा वन। ओके दैट इज इक्वल टू पी ई। ओके पहले अपर लिमिट, सो माइनस कॉस थीटा वन माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा जीरो। ओके एंड देयर फॉर द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा वन। ओके ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब जो एनर्जी होगी जो वर्क करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके तो यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा वन। सपोज इनिशियली डायपोल जो हम रखेंगे वो परपेंडिकुलर फील्ड, सो थीटा जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू, और वहां से सपोज हमको एंगल थीटा करना है, सो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे। सो एनर्जी या वर्क की फॉर्मूला यू इज इक्वल टू पी ई कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा, बट कॉस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, देन यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, एंड देयरफॉर यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये इक्वेशन कंपलसरी, मतलब इक्वेशन प्रिपेयर करना है। ओके अब डिफरेंट एंगल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एमसीक्यू के लिए, और एक सेकंड क्वेश्चन भी दर्पण में दिया है कि सपोज इनिशियली डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब सपोज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस जीरो, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस पी। इस कंडीशन के अंदर डायपोल इक्विलिब्रियम में रहेगी, डायपोल इक्विलिब्रियम में रहेगी फर्स्ट थीटा इक्वल टू जीरो के लिए। नाउ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, सो नाउ यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, एंड कॉस 180 इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज पी ई। आंसर क्या होगा? पी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर डायपोल अनस्टेबल होगी, इसके अंदर डायपोल क्या रहेगी? अनस्टेबल। थीटा इज इक्वल टू जीरो तो स्टेबल कंडीशन में होगी, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डायपोल होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायपोल ऑपोजिट होगी तब जाके डायपोल अनस्टेबल हो जाएगी। ओके देन और एक ऑप्शन कि थीटा इज इक्वल टू 90, ओके नाउ थीटा इज इक्वल टू 90, सो यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 90, एंड आंसर यू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी मिनिमम कब होगी, मतलब माइनस पी कब होगी? थीटा इक्वल टू जीरो। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? थीटा इक्वल टू 180, लेकिन तब वो अनस्टेबल होगा। एंड एनर्जी जीरो कब होगी? जब दोनों परपेंडिकुलर टू इच अदर। क्लियर? तो इसे दो क्वेश्चन हुए, सबसे पहले तो एनर्जी की फॉर्मूला, अब एक और भी कंफ्यूजन है। फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क था, टॉर्क इज इक्वल टू सो पी साइन थीटा, एंड एनर्जी इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ओके तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो इक्वेशंस है इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वरना ये इक्वेशंस सभी डाउटफुल रहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया, तब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके वो भी कौन सी? सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में इसके लिए डिफरेंट जो ऑप्शंस थे वो हमने कंप्लीट किए। बराबर? तो पहले ये दो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझना पड़ेगा। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मतलब लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वो इक्वेशन यूज करके हमको डायपोल की प्रिपरेशन कंप्लीट करके देनी है। ओके, तो वहां बताया था कि सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो तब ये फॉर्मूला होती है यू थीटा इज इक्वल टू क्यू वन वी आर वन प्लस क्यू टू वी आर टू प्लस के क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू, इस टाइप की फॉर्मूला थी। ओके, अब इसके अंदर हम Q1 इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, Q1 इक्वल टू प्लस Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q ऐड करेंगे। ओके, जब इस टाइप की कंडीशन होगी तो U थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं, तो U थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ओके, और वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो Q कॉमन निकल जाएगा, वी आर वन माइनस क्या लिखेंगे, वी आर टू प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपन आर वन टू, क्योंकि Q1 इज अ पॉजिटिव चार्ज और Q2 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसको हम Q1 Q2 जब ऐड करेंगे तो इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। ओके, इसको Q1 Q2 लिखेंगे तो भी चलेगा और Q स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद उन लोगों ने जो बताई वो चीज़ डिफरेंट है कि जब पोटेंशियल एनर्जी R1 R2 के लिए, इधर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 और R2 इक्वल टू द वर्क टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड फ्रॉम R2 टू R1, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, फिर से बता रहा हूँ। ओके, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस क्या होगा, 2a। ओके, किसी एक की पोजीशन वेक्टर दूसरे की पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये x करके लिख रहा हूँ वो, तो इस डायग्राम से क्या मिलेगा, तो लिखेंगे थीटा, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2a एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2a cos थीटा। इसका मतलब क्या, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फॉर्मूला में हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर वन माइनस वी आर टू, वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू माइनस ई इन टू टू ए कॉस थीटा। ओके, ये कौन सी फॉर्मूला, एक चीज और यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं। ओके, ये कौन सी फॉर्मूला, तो लिखेंगे वी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इन टू डी, चलो वी क्यू में Q क्या है, वो वन कुलम पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो वर्क को क्या लिखेंगे, W, तो ये W ही है, फॉर्मूला F, F इज इक्वल टू ई इन टू क्यू, ई इन टू क्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो यहां से यहां तक, इसको क्या लिखेंगे, टू ए कॉस थीटा, टू ए कॉस थीटा। ओके, लेकिन ये वर्क नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू आगे जो एनर्जी की फॉर्मूला थी उस तरह से। ओके, तो उन लोगों ने क्या था कि यहाँ वी आर वन वी आर टू माइनस क्यू इज इक्वल टू वन टू ए कॉस थीटा। ओके, एंड देयरफॉर वी आर वन वी आर टू, ओके, क्यू इक्वल टू वन कूलम में, सपोज क्यू इक्वल टू यहां रखेंगे, सो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, पी की फॉर्मूला क्या होती है, टू ए क्यू, बट क्यू इज इक्वल टू वन कूलम, सो टू ए इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, टू ए इज इक्वल टू, तो डायपोल मोमेंट रख सकते हैं क्योंकि ये वन कूलम है, तो इसका मतलब वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यूएशन हम ऊपर वाले इक्वेशन में ऐड करेंगे, तो लिख सकते यू थीटा डैश सब्ट्रैक्शन कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हम ऐड ही करेंगे यू थीटा डैश। ओके, यू थीटा डैश के अंदर ये वैल्यू रखी, तो माइनस पी ई कॉस थीटा कहाँ ऐड किया मैंने, माइनस पी क्यू कहाँ गया, सो क्यू इक्वल टू वन कूलम।
ओके एंड देन माइनस क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस ओके तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2a, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2a, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा ओके अब उन लोगों ने इस पर लिखा, ये तो ऐसा इक्वेशन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बताया फॉर गिवन डाइपोल तो यू थीटा ओके फ्रॉम यू थीटा डैश ओनली बाय अ कॉन्स्टेंट, मतलब ये दोनों वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं होगा ओके यहाँ भी एक चीज़ लिखेंगे कि थीटा जीरो इज इक्वल टू पाई बाय टू, थीटा जीरो इज इक्वल टू पाई बाय टू ओके थीटा जीरो इक्वल टू पाई बाय टू रखा, थीटा जीरो इज इक्वल टू क्या रखेंगे पाई बाय टू, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगी कहाँ बता रहा हूँ यहाँ थीटा जीरो इज इक्वल टू पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब कॉस 90, कॉस 90 मतलब जीरो, तो ये रखेंगे तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वी आर वन माइनस वी आर टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो ओके वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट जीरो हो जाएगी ओके तो पूरी ब्रैकेट जीरो होगी, तो फॉर्मूला जो हमने लिखी है इसमें ये पूरा जीरो हो गया और पूरा मतलब वो पूरा कंप्लीटली जीरो होगा, इसका मतलब क्या कि यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा और माइनस पी कॉस थीटा इसका मतलब ऐसा होगा कि यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है लेकिन इसी तरह से एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक में ऐड हुआ, पहले गुजरात बोर्ड के एग्जामिनेशन वाली बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं था ओके लेकिन इसको एक बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या लिखा है कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फॉर्मूला यूज करेंगे और डिराइव किसके लिए करेंगे तो डाइपोल के लिए इसको डिराइव करके देना है ओके तो आज तीन क्वेश्चन हुए, कौन कौन से तीन क्वेश्चन वो भी बता दूं, आज तीन क्वेश्चन हुए 28, 27 एंड 26, 27 तो एमसीक्यू है, 26 मेन और 28 मेन, तो ऐसे तीनों प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है, 27 सिर्फ एमसीक्यू थीटा की वैल्यू रखनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो तीनों आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल हैज चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a. Hence, its electric dipole moment P is equal to 2aq. The dipole, when placed in a uniform electric field, experiences a torque tau, which is equal to P cross E, equal to PE sine theta. Let this be equation 4. This torque rotates the dipole until it is aligned in the direction of the external electric field. Let us apply an external torque, tau external, equal and opposite to the torque tau, which rotates the dipole from the angle theta 1 to the angle theta 2. With the field direction, without giving the dipole any angular acceleration. That is, at an infinitesimally low angular speed. Let the work done by the external torque in this process BW. Then, W is equal to integral tau external dot d theta in the limits theta 1 to theta 2. As tau external is equal to tau, we can write W is equal to tau into d theta in the limits theta 1 to theta 2. Substituting tau equal to P into E sine theta, we get W is equal to integral P E sine theta d theta in the limits theta 1 to theta 2. Since P and E are constant, we keep them out of the integration and thereby carrying out the integration, we get W is equal to minus P E into cos theta 2 minus cos theta 1. This work done by the external torque
gets stored as potential energy U in the system in the external electric field. If theta 1 is equal to 90 degrees and if theta 2 equal to theta, then the potential energy in terms of the angle the dipole makes with the external field is U is equal to minus P into E cos theta. We can express P E cos theta as P dot E. Then potential energy U of the dipole is expressed as U equal to minus P dot E. If V of R1 and V of R2 denote the potentials at the positions of the charges plus Q and minus Q of the electric dipole respectively, the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the electric field and the distance between the charges R12 equal to 2A. Then, substituting Q1 equal to plus Q and Q2 equals to minus Q in equation 3. And simplifying, we get potential energy U of the system as U is equal to plus Q into V of R1 plus minus Q into V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught into minus Q square by 2A. This equation can be further simplified as U is equal to Q into V of R1 minus V of R2 minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q square by 2A. We can further simplify VR1 minus VR2 as follows. V of R1 will be less than V of R2. Since potential decreases in the direction of the field, we can say dV is equal to V of R1 minus V of R2, which is equal to minus EdR. Since dV is equal to minus EdR, from the figure, dR is equal to 2A cos theta. Therefore, V of R1 minus V of R2 will be equal to minus 2A cos theta into E. Multiplying both sides with Q, we get Q into V of R1 minus V of R2 equal to minus Q into 2A cos theta into E. Hence, Q into V of R1 minus V of R2 can be written as minus 2AQ cos theta into E. And since dipole moment P equal to 2AQ, this can be written as minus PE cos theta. Now the electrostatic potential energy of the system can be written as minus PE cos theta minus 1 by 4 pi epsilon naught Q square by 2A. If the electric dipole were perpendicular to the field direction, then the potential V of R1 will be equal to V of R2, and hence PE cos theta will be equal to zero. And hence, the electrostatic potential energy of the system will be equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q square by 2A.